जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक वैली सर में। तो देख लीजिए, जिसके लिए हमने कल बोला था कि 100 फटाफट क्वेश्चन यहां से हम लोग देखने वाले हैं, तो आज मैं वो 100 के 100 क्वेश्चन आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए और सभी एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो मतलब पहुँच जाए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जो हेल्प है वो मिल जाए। तो देख लीजिए भाई, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 100 हैं, ठीक है। और जो भाई हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और सभी भाइयों से, सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई हम लोगों की सहायता करें, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जो आपका सवाल है भाई यहाँ से, जो 51 नंबर का सवाल है कि मधुशाला किसकी कृति है। भाई मधुशाला किसकी कृति है अगर बात की जाए तो आप बताओगे यहाँ से ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन या जयशंकर प्रसाद। तो भाई आपको बताना है जो मधुशाला है आपकी वो किसकी, आप बताओगे हरिवंश राय बच्चन जी की है। किन की है? हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुशाला, मधुबाला, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, नेड़ का निर्माण, फिर भी मतलब ये बहुत सारी रचनाएं हैं जो इनकी हैं। बात की जाए मैथिली शरण गुप्त की, तो मैथिली शरण गुप्त की एक बहुत प्रसिद्ध भाई कौन सी, भारत भारती। कौन सी? भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात की जाए भाई यहाँ से रविंद्रनाथ टैगोर जी की, तो इनकी बहुत सारी हैं। कौन कौन सी आप बताओगे? तो इनकी गीतांजलि है, चंडालिका है, गार्डनर है या हंग्री स्टोन्स है। क्या है भाई? हंग्री स्टोन्स। और जो गीतांजलि है इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। अगर भाई बात की जाए जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी कामायनी, आंसू, लहर, बहुत सारी हैं इनकी भी, ठीक है। चलिए, तो इस सवाल का आंसर क्या आ चुका है? ऑप्शन नंबर सी, मतलब हरिवंश राय बच्चन जी, इस सवाल का आंसर आ चुका है। भाई अगले सवाल की साइड चलते हैं। जो अगला आपका सवाल है 52 नंबर का, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए। 52वां सवाल क्या है यहाँ से, अगर 52वें सवाल की बात की जाए आपके की, तो सवाल है यहाँ से 52वां, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? भाई सितार से है, तबला से है, शारोद से है या बांसुरी से है? सभी बच्चे आंसर कीजिए इस सवाल का क्या होगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए इस सवाल का क्या होगा, सितार, तबला, सरोद या बांसुरी। भाई जो डॉक्टर मतलब उस्ताद जाकिर हुसैन है, अगर इनकी बात की करी जाए तो भाई आप आंसर बताओगे इनका क्या, तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन क्या है? आप बताओगे तबला वादक हैं। तो भाई देख लीजिए ऑप्शन में है सितार, फिर सितार के कौन हैं, तो आप बताओगे पंडित रविशंकर। भाई सितार के कौन हैं? पंडित रविशंकर, ठीक है। सितार के कौन हैं? पंडित रविशंकर जी हैं, ठीक। बात की जाए यहाँ से सरोद की, तो सरद के कौन है आप बताओगे? अमजद अली खां हैं। भाई सरोद के कौन है? अमजद अली खां, अमजद अली खां, ठीक है। बात की जाए भाई यहाँ से बांसुरी की, तो बांसुरी के कौन है, तो आप बताओगे भाई हरि प्रसाद चौरसिया। कौन? हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, ठीक है, हरि प्रसाद चौरसिया। या अगर ये नहीं मिले तो एक और मिल जाएगा, कौन? पन्नालाल घोष। तो इस सवाल का आंसर क्या है आप बताओगे? तबला। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है किससे संबंधित है आप बताओगे? तबले से संबंधित हैं। भाई अगला सवाल देख लीजिए, जो आपका 53 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल आपका भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी, जनसंख्या बढ़ाकर, वनारोपण के द्वारा, वनस्पति हटाकर या अति चराई के द्वारा, आपको बताना था। तो भाई देख लीजिए इस सवाल के आंसर की अगर बात की जाए, जो 53 नंबर का सवाल है इसका अगर बात की जाए कि भूक्षरण या हम कह दें कि मृदा का अपरदन, भाई इसे ही हम क्या कहते हैं, मृदा का अपरदन कहते हैं, तो ये किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आप बताओगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाकर रोका जा सकता है, क्योंकि ज़मीन जब कटने लगती है तो भाई उसके लिए क्या है कि पेड़ जो है अपनी जड़ों से मिट्टी को क्या कर लेते हैं, बांध लेते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला उपयोग कौन है आप बताओगे? वनारोपण है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वनों को लगाना है। दूसरा अगर ये नहीं होता तो आप बताओगे इसकी समुच्च जुताई होती, और भी नहीं होता तो आप बताते इसकी पट्टीदार खेती की जाती। चलिए अगला सवाल आपके सामने है 54 नंबर का, इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे क्या है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? आपको बताना है जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा प्रकाशित होता है? RBI द्वारा, योजना आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा? भाई देख लीजिए इस सवाल का आंसर कीजिए। और सभी बच्चे एक बात और ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन आज ये जो 100 क्वेश्चन है भाई, इन 100 क्वेश्चनों को इस तरीके से लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, और कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में ज़रूर आपको बताना है कि किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं इन 100 क्वेश्चनों में से। भाई इन 100 क्वेश्चनों में से किस बच्चे ने कितने क्वेश्चन बनाए हैं ये जरूर बताना है सभी बच्चों को। तो देख लीजिए बात की जाए 54 नंबर के सवाल की, तो भाई इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
क्या है? वित्त मंत्रालय। भाई आप क्या बताओगे इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अब देख लीजिए, जो आपका 55 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि पणजी किस राज्य की राजधानी है? आपको बताना है जो पणजी है वो भारत के किस राज्य की राजधानी है? छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश या झारखंड? भाई इस सवाल का आंसर बताइए। तो देख लीजिए, बात की जाए भाई पणजी की, तो पणजी किसकी राजधानी है? आप बताओगे गोवा की राजधानी। किसकी राजधानी है? आप बताओगे गोवा की राजधानी है। और गोवा भाई, अगर बात की जाए गोवा, तो गोवा 1961 में किसके अधीन था? भाई आप बताओगे पुर्तगालियों के अधीन रहा। कब तक? 1961 तक। ठीक है भाई, कब तक? 1961 तक। और 1987 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। ठीक है, और इसके बाद क्या भाई, इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया है। चलिए अगला जो 56 नंबर का सवाल है, इसका आंसर बताइए सभी बच्चे क्या होगा, कि माले किस देश की राजधानी है? राजधानी है अल्जीरिया की, मालदीव की, केनिया की या मॉरिशस की? तो देख लीजिए, बात की जाए माले की, तो भाई आप सभी बच्चे बता सकते हैं कि माले किसकी राजधानी है? मालदीव की है। किसकी है भाई? मालदीव की राजधानी है। ठीक है, मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल देख लीजिए भाई क्या है, जो 57 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए। 57 नंबर का सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो देख लीजिए, जो 57 नंबर का सवाल है, अगर इसकी बात की जाए कि भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पूर्व अपने पद से अगर त्याग करना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? आप बताओगे उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भाई वो बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति। अब देख लीजिए भाई, जो अगला सवाल है आपका 58 नंबर का, कि खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? जो खजुराहो के मंदिर हैं एक तरीके के, वो भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र? भाई सभी बच्चे इस सवाल का आंसर बहुत गजब तरीके से करेंगे। तो देख लीजिए, बात की जाए खजुराहो की, तो भाई खजुराहो की बात की जाए तो ये कहाँ है? आप बताओगे मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में। कहाँ भाई? मध्य प्रदेश के छतरपुर में। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ चुका है? ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का भी आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन जिन बच्चों ने बी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। चलिए भाई अगला जो 59 नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। सवाल है 59वां कि शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भाई आपको बताना है विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर या 12 नवंबर? तो देख लीजिए, जो 59 नंबर का सवाल है, अगर इसकी बात की जाए भाई तो आप बताओगे कि जो 10 नवंबर है भाई, इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। मतलब क्या, 59वें नंबर के सवाल का भी आंसर कौन है? आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, जो 60 नंबर का सवाल है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? भाई इस सवाल का आंसर तो मैं मानता हूँ कि सभी बच्चे बड़े अच्छे तरीके से कर देंगे। भाई विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 5 दिसंबर या 7 दिसंबर? तो देख लीजिए, एड्स क्या है भाई? एक बहुत ही गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। ठीक है, तो इसकी जागरूकता के उद्देश्य से विश्व एड्स दिवस भाई कब मनाया जाता है? आप सभी बच्चे बताओगे 1 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है। क्या बताओगे आप सभी लोग? 1 दिसंबर। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं भाई। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। भाई आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में राज्य व्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह का जो आरंभ या आयोजन किया गया है वो कब किया गया है? कौन सा सप्ताह? तो आप बताओगे 5 से 11 अप्रैल 2022 तक, 14 से 20 अप्रैल 2022 तक, 15 से 21 अप्रैल 2022 तक या 18 से 24 अप्रैल 2022 तक? देख लीजिए, ये करंट का क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से आपका। तो बात की जाए भाई 61 नंबर के सवाल की, तो आप बताओगे कि 14 से 20 अप्रैल 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। भाई ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए अगला जो 62 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 62वां यहाँ से कि अप्रैल 2022 में किस देश में जलमार्ग कॉन्क्लेव, ठीक है, कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है, आपको बताना है जो 62 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा। भाई जो 62 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे जो आपका कॉन्क्लेव है ये, ठीक है, जो आपका कॉन्क्लेव है भाई, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप बताओगे कि इसका आयोजन भाई असम के डिब्रूगढ़ में किया गया। कहाँ? असम के डिब्रूगढ़। तो इस सवाल का आंसर क्या है आप बताओगे? इस सवाल का आंसर आपके का 62 नंबर के का डी है, और कहाँ हुआ है? असम के डिब्रूगढ़ में हुआ है। चलिए भाई देख लीजिए, जो 63 नंबर का सवाल है यहाँ से आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल 63वां कि रायसीना संवाद
से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई यहाँ से आपको जो राशि ना है उसके तहत आपको जो भाई यहाँ जो संवाद लिखे गए हैं इन पे क्या करना है, आपको आपको यहाँ पे विचार व्यक्त करना है अपना अपना। देख लीजिए क्या है। पहला है, यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। इसके सातवें संस्करण का आयोजन 25 से 27 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संयुक्त किया जाता है। भाई इस सवाल के आपको आंसर बताने के कौन कौन से आंसर इस सवाल के बिल्कुल सही हैं, ठीक है, कौन कौन से आंसर इस सवाल के बिल्कुल सही हैं, और देख लीजिए आंसर आपके नीचे हैं, ये इस तरीके से हैं, ठीक है, ये इस तरीके से हैं। भाई बात की जाए यहाँ से कि यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जा रहा है, तो देख लीजिए बिल्कुल भाई ये वाली बात जो है आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल भाई 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। केंद्र सरकार ने रायसीना संवाद की शुरुआत वर्ष 2016 में की थी, ठीक है, और इसका आयोजन, ठीक है भाई, तो ये बिल्कुल सही है, 2016 में हुई थी, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसमें सातवें संस्करण 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में हुआ, तो भाई बिल्कुल सही है, ये जो है 25 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मनाया था, और भाई ये कौन सा था तो आप बताओगे सातवां था, भाई ये भी बिल्कुल सही है, दो सही हो गए। तीसरा, इसका आयोजन विदेश मंत्रालय और ये जो रिसर्च फाउंडेशन है इसके साथ किया जाता है, बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है, तो देख लीजिए तीनों सही हैं, और तीनों किस्में आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं। जो अगला 64 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है। भाई तो इस सवाल का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्या है कि अप्रैल 2022 में 48वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ, भोपाल, नई दिल्ली या मुंबई। तो देख लीजिए 24 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे 21 अप्रैल 2022 को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा भोपाल में। भाई कहाँ आप बताओगे, जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, ठीक है, उसमें, ठीक। चलिए तो इस सवाल का आंसर क्या है आप बताओगे, बी है। भाई इस सवाल का आंसर क्या है, बी है, ठीक। अगला सवाल है 65 नंबर का कि 25 से 30 अप्रैल 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय खाद और आतिथ्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। भाई आपका करंट चल रहा, नई दिल्ली, बीजिंग, सिंगापुर या मनीला। भाई सभी बच्चे आंसर कीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। जो 65 नंबर का सवाल है तो देख लीजिए इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे इस मेले का जो आहार 2022 था इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो आप बताओगे कि नई दिल्ली में किया गया। कहाँ भाई, नई दिल्ली में। चलिए अगला जो 66 नंबर का सवाल है वो आपके सामने है। भाई 66वां सवाल है यहाँ से आपका कि इरडा यह है भाई इराड IRAD परियोजना को किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है। भाई आपको बताना है किसने लॉन्च किया है जो आपका IRAD है। तो भाई देख लीजिए 66 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो 30 अप्रैल 2022 को कब, भाई आप बताओगे 30 अप्रैल 2022 को एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कौन है, भाई चंडीगढ़, ठीक है, तो उसमें एकीकृत सड़क दुर्घटना जो थी जिसे, ठीक है, उसने लॉन्च किया गया, तो भाई किसने आप बताओगे किसने किया है, तो चंडीगढ़ ने। तो भाई इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए जो 67 नंबर का सवाल है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो यहाँ से अगर बात की जाए 67 नंबर के सवाल की तो आप बताओगे, ठीक है भाई, किसने बनाया है रिकॉर्ड, आप बताओगे बिहार ने बनाया। किसने बनाया भाई, बिहार ने बनाया है, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या है आप बताओगे, इस सवाल का आंसर जो आपका 67 नंबर का सवाल है उसका आंसर है बिहार ने बनाया, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक भाई, सबसे ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल सबसे ज़्यादा देख लीजिए जो बिहार का जगदीशपुर है ना उसमें एक साथ आप बताओगे कितने 77,900 राष्ट्रीय ध्वज फहराने का विश्व रिकॉर्ड बना, ठीक है, कितने 77,900, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है, जो अगला 68 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि 11 अप्रैल 2022 को जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है। यहाँ से आपको बताना है गुजरात का है, तेलंगाना का है, कर्नाटका का है या तमिलनाडु का है। भाई इस सवाल का आंसर देख लीजिए जो 68 नंबर का सवाल है इसके आंसर की अगर बात की जाए तो नीति आयोग द्वारा जो भाई 11 अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक का शुभारंभ किया गया था, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, ऊर्जा पहुंच या ऊर्जा खपत, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण की सुरक्षा के सुधार के प्रयासों के आधार पर राज्य की रैंकिंग जारी करना था।
ठीक है भाई, तो इसमें आप बताओगे कौन रहा भाई, यहाँ से अगर बात की जाए कि प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो आप बताओगे इस सवाल का आंसर जो है गुजरात। भाई प्रथम स्थान पर कौन रहा आप बताओगे गुजरात रहा, दूसरे पर केरल रहा, तीसरे पर कौन रहा तो आप बताओगे पंजाब रहा। पहले पर गुजरात, दूसरे पर केरल, तीसरे पर पंजाब रहा। भाई 69 नंबर का सवाल है कि किस रेलवे जोन ने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल को लॉन्च किया है। एक स्टेशन एक उत्पाद भाई आपको बताना है किसने किया है, तो आप बताओगे जो आपका दक्षिण मध्य रेलवे है, जो आपको ऑप्शन नंबर सी है दक्षिण मध्य रेलवे, उसने इसका शुभारंभ किया है। भाई उसने इसका शुभारंभ किया है, कब किया है आप बताओगे अप्रैल 2022 में इसका किया है। चलिए अगला देख लीजिए, जो 70 नंबर का सवाल आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, ठीक है भाई, का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बनी है। आपको बताना है इंडिया एयरलाइन, वो इंडिगो एयर, स्पाइस जेट या गो एयर। भाई यहाँ से आपको बताना कौन बनी है, तो देख लीजिए 70 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो इसमें कौन बनी है आप बताओगे, जो आपकी इंडिगो है भाई, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये 20 सवाल तो ये हो चुके हैं अपने। चलिए अगले 20 सवालों की साइड चलते हैं, ठीक है भाई, अगले 20 सवालों की साइड चलते हैं। देख लीजिए ये आ चुका है आपका, ये भी 51 से स्टार्ट होंगे क्योंकि 5 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 160 लगाए यहाँ पर, ठीक है। चलिए आपका देख लीजिए ये सवाल आपका कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से एक किताब है जो सरोजनी नायडू ने नहीं लिखी है। भाई इनमें से एक किताब है जो सरोजनी नायडू ने नहीं लिखी है, आपको उसका नाम बताना है। चलिए तो देख लीजिए इस सवाल की अगर बात की जाए 51 नंबर के सवाल की, तो आप बताओगे जो आपकी पहली किताब मतलब जो सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है वो किताब का आपको नाम बताना है। तो देख लीजिए द गोल्डन बर्ड, भाई द गोल्डन बर्ड जो है ये सरोजनी नायडू द्वारा नहीं लिखी गई है, वरना ये सारी की सारी जो किताबें हैं आपकी, ठीक है, जो ये सारी की सारी किताबें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं आप बताओगे, सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। किसके द्वारा आप बताओगे, सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। और इसके लेखक कौन है, अगर इसके लेखक की बात की जाए तो आप बताओगे इसके लेखक है ग्रीम ब्रदर्स। कौन? ग्रीम ब्रदर्स। भाई कौन है इसके लेखक? ग्रीम ब्रदर्स। अगला सवाल है 52 नंबर का कि मोहिनीअट्टम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य के रूप में जाना जाता है। तो भाई मोहिनीअट्टम जो है आप बताओगे किसके लिए जाना जाता है, तो आप बताओगे इस सवाल का आंसर जो 52 नंबर के सवाल का ये क्या है आपका, केरल है, ठीक है भाई। मोहिनीअट्टम जो है आपका कहाँ का आप बताओगे, केरल का। कृष्णाअट्टम और कालीअट्टम ये भी आपके कहाँ के, केरल के, ठीक है। चलिए अगले सवाल की, चलिए अगर इसमें हम बताएं तो मोहिनीअट्टम केरल का, ठीक है भाई। ओडिशा का कौन है? ओडिसी है, ठीक है। ओडिशा का कौन है? ओडिसी। केरल का मोहिनीअट्टम, कालीअट्टम, कृष्णाअट्टम आएगा, ठीक है। और कर्नाटक की बात की जाए तो भाई क्या है इनका? यक्षगान है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो कौन है भाई आप बताओगे? भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम है। चलिए अगला देख लीजिए, जो अगला सवाल है भाई, जो 53 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 53वां सवाल देख लीजिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस में नहीं होती, ठीक है भाई, जो नहीं होती। तो देख लीजिए क्या है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड, जो भाई इसमें नहीं होती। तो आप बताओगे कौन नहीं होती? नाइट्रोजन इसमें नहीं होती। भाई ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है कि इसमें नाइट्रोजन नहीं होती। अगला जो 54 नंबर का सवाल है, पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। आपको बताना भाई जो पारितंत्र के मूल घटक होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देख लीजिए अगर बात की जाए पारितंत्र की, या इसे हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। तो भाई 1935 में ए जी टॉन्सले थे, उन्होंने क्या किया था भाई, इसका प्रस्ताव पारित किया था, ठीक है। चलिए तो इसके दो घटक कौन से, तो आप बताओगे जैविक और अजैविक। कौन कौन से भाई? जैविक और अजैविक, ठीक है। तो इसके कौन कौन से भाई? जैविक और अजैविक, ठीक है। तो जीवीय या अजीवीय, ठीक है, इन्हें हम ये भी कहते हैं। तो इस सवाल का आंसर जो है बी, वो बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, जो 55 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है। आपको बताना है पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, दादर और नगर हवेली की, पौंडीचेरी की या लक्षद्वीप की। तो भाई देख लीजिए 55वें नंबर के अगर सवाल की बात की जाए तो जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो किसकी आप बताओगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। तो 55 नंबर के सवाल का आंसर क्या है आप बताओगे? ए है। 55 नंबर के सवाल का आंसर क्या है भाई आप बताओगे? ए है। चलिए अगला सवाल है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। बानुआतू की,
अंटार्कटिका की, ग्रीनलैंड की, या सोलोमन द्वीप समूह? भाई यहाँ से बताना है कि कौन सी भूमि है जो किसी भी देश के अधीन नहीं है। 56 नंबर के सवाल के आंसर की बात की जाए तो देख लीजिए, 56 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो भाई जो अंटार्कटिका की भूमि है वो किसी के भी अधीन नहीं है। भाई जो अंटार्कटिका की भूमि है वो किसी के भी अधीन नहीं है। अब देख लीजिए अगला जो 57 नंबर का सवाल है, आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल। यहाँ से राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? भाई राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 57 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो भाई जो आर्टिकल 80 है उसका जो कह है वो कहता है कि राष्ट्रपति भाई राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है जो साहित्य, कला और विज्ञान तथा समाज सेवा से संबंध रखते हों। तो भाई कितने आप बताओगे? 12। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए जो 58 नंबर का सवाल है आपका, खालिस्तान मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो भाई कौन से आप बताओगे? पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या कैलाश? भाई इस सवाल का आंसर कीजिए जो 58 नंबर का सवाल है सभी बच्चे। तो देख लीजिए बात की जाए क्या यहाँ से आप बताओगे, कैलाश या कैलाशनाथ के मंदिर? ठीक है, कैलाशनाथ के मंदिर। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर क्या है आप बताओगे? इस सवाल का आंसर आपका डी है। चलिए अगला जो 59 नंबर का सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल। यहाँ से 59वां के किस राज्य है केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? आपको बताना भाई, देख लीजिए ये जो सवाल है आपका, ये आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की जो भाई जो राज्य की पंचायत है देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो भाई जो 59 नंबर का सवाल है, इस सवाल का आंसर की अगर बात की जाए तो देख लीजिए 24 अप्रैल सन 2022 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर भाई कहाँ की आप बताओगे? जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के पल्ली गांव की। भाई ठीक है, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के कौन सा गांव आप बताओगे? पल्ली गांव। तो इस सवाल का आंसर क्या भाई? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है। भाई 60 नंबर का सवाल है आपका, बागशीर क्या है? पंडुबी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है या विमान वाहक पोत है? तो देख लीजिए 60 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो बागशीर है वो क्या है? पंडुबी है। भाई बागशीर क्या है आप बताओगे? पंडुबी है। चलिए अगला देख लीजिए जो 61 नंबर का सवाल है वह आपके सामने स्क्रीन पर है सवाल। है यहाँ से कि किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? भाई किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया है? जो 61 नंबर का सवाल है इसका आंसर कीजिए सभी बच्चे। देख लीजिए बात की जाए भाई 22 अप्रैल 2022 को कहाँ भाई आप बताओगे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। अगला देख लीजिए जो 62 नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? भाई देश का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? जो 62 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आपको बताना है कि अप्रैल 2022 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से कहाँ भाई? तो आप बताओगे कि रामपुर की ग्राम पंचायत पटबई। रामपुर की ग्राम पंचायत क्या है भाई? पटबई है। तो रामपुर इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। रामपुर की ग्राम पंचायत पटबई जो भाई देश का पहला अमृत सरोवर बनाकर तैयार कर लिया है इसने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है जो 63 नंबर का सवाल है आपका। तो यहाँ से 63वां सवाल है आपका, देख लीजिए क्या है कि सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण हुआ है? आपको बताना कच्छ, पोरबंदर, जूनागढ़ या नडावेट? भाई इस सवाल का आंसर कीजिए जो 63 नंबर का सवाल है। तो इस सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे इस सवाल का आंसर क्या है? आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्या है? नडावेट है। क्या है भाई? नडावेट है। ठीक है, और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो सॉरी केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह ने 10 अप्रैल 2022 को सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में गुजरात के कहाँ भाई आप बताओगे? नडावेट में। कहाँ भाई आप बताओगे? नडावेट में। अगला सवाल 64 नंबर का सवाल है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है? भाई 2022 में जो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया है आपको बताना है यहाँ से कि कौन सी है वो? तो देख लीजिए जो 64 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे क्या है भाई? ग्वालजारा। क्या भाई आप बताओगे? ग्वालजारा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए जो 65 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है भाई सवाल है 65वां, थोड़ा कम कर लेते हैं और कम हो जाए। ये है सवाल आपका 65वां। सवाल क्या है
कि अप्रैल 2022 में पहली सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपको बताना है कि दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो देख लीजिए, जो 65 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो 17 अप्रैल 2022 को भाई प्रधानमंत्री ने गुजरात के दूधवाणी नामक देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया था। कहाँ किया था भाई, आप बताओगे? गुजरात। तो ऑप्शन नंबर जो बी है 65 नंबर के सवाल का आंसर, वो बिल्कुल सही है भाई। अगला जो 66वां सवाल है कि अप्रैल 2022 में बीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? आपको बताना, लेखिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, पत्रकार थी या राजनीतिज्ञ थी। देख लीजिए, 66 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे 24 अप्रैल 2022 को एक सुप्रसिद्ध लेखिका बीणा पाणी मोहंती का निधन हो गया भाई। क्या क्या थी वो? तो आप बताओगे लेखिका थी। क्या थी? लेखिका। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस सवाल का बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, जो 67 नंबर का सवाल है वो आप सभी के सामने है। सवाल है यहाँ से 67 बाप का कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन है भाई? जो लता मंगेशकर पुरस्कार है ये सबसे पहले जो पाया था किसने पाया था? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद या रतन टाटा। तो देख लीजिए भाई, 24 अप्रैल 2022 को ये हुआ भाई, और ये किसने पाया है आप बताओगे? नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इसको पाया है। ठीक है भाई, अगला देख लीजिए, जो 68 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान संस SAANS शुरू किया है भाई? किस राज्य सरकार ने किया है? तो देख लीजिए, अगर इसकी बात की जाए सांस की, तो ये अभियान किसने स्टार्ट किया है आप बताओगे? ये अभियान आपके कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। किसने स्टार्ट किया है आप बताओगे? कर्नाटक ने स्टार्ट किया है। ठीक है, देख लीजिए, अब चलते हैं 69 नंबर के सवाल की साइड, और 70 भी यहीं पर है आपका। ठीक है, 69 भी 70 भी देख लीजिए। 69वां सवाल क्या है आपका कि 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है, यह किस नदी पर स्थित है? जो कुवार, ठीक है, जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? सिंधु पर है, झेलम पर है, रावी पर है या चिनाब पर है? तो देख लीजिए, 69 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो भाई आप बताओगे कि यह जो परियोजना है भाई, ये कितने क्षमता की बननी है आप बताओगे? 540 मेगावाट की बन रही है। ठीक है, 540 मेगावाट की भाई, ये कहाँ है? तो आप बताओगे ये किस नदी पर है? तो आप बताओगे ये चिनाब नदी पर है। किस पर? चिनाब नदी पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए, जो आपका 70 नंबर का सवाल है उसका आंसर क्या होगा? 70 नंबर का सवाल है, अप्रैल 2022 में चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? कौन सा भाई? तो आप बताओगे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो सर डेविड एटनबरो को, डॉक्टर सिंधिया को, या अर्देश सिरा को, या आपका चारू दत्त को? देख लीजिए, बात की जाए आपके 70 नंबर के सवाल की, तो आप बताओगे जो जीव विज्ञान के वो हैं आपके कौन? सर डेविड एटनबरो भाई। इस सवाल का आंसर क्या आप बताओगे? ए जो है इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ से देख लीजिए, आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, 20 पहले, 20 ये आपके 40 क्वेश्चन यहाँ से आपके हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन आप बताओगे? 40 क्वेश्चन यहाँ से हो चुके हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की साइड भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है, जो 51 नंबर का सवाल है। जो आपका 51 नंबर का सवाल है ये आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, जल्दी से सभी बच्चे इस सवाल का आंसर तो बता ही सकते हैं। तो देख लीजिए, ये जो आपका 51 नंबर का सवाल है कि हिंदी नाटक अंधेरी नगरी के रचयिता कौन है? तो आप बताओगे भाई यहाँ से कौन है अंधेरी नगरी के रचयिता? आप बताओगे कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है भाई? 51 नंबर के सवाल का आंसर भी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, अंधेरी नगरी। और इन्होंने एक और लिखी है भाई, कौन? भारत दुर्दशा। कौन लिखी है इन्होंने? भारत दुर्दशा। बात की जाए मुंशी प्रेमचंद्र जी की, तो भाई मुंशी प्रेमचंद्र की भी आपको याद रख लेना, गोदान, कर्म भूमि, गगन और रंग भूमि। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं कौन है हमारे पास। तो आप बताओगे एक और कौन है? धर्मवीर भारती हैं भाई। अगर धर्मवीर भारती की बात की जाए तो इन्होंने गुनाहों का देवता, ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा और अंधायुग ये लिखे हैं। और मुद्रा रक्षक तो खुद एक क्या है भाई? एक क्या है? एक कृति है मुद्रा रक्षक। किसकी है भाई? तो आप बताओगे विशाख दत्त की है। किसकी है? विशाख दत्त की। अगला सवाल देख लीजिए आपका, जो 52 नंबर का सवाल है। सवाल है यहाँ से कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? तंजौर में, मिथिया में, हैदराबाद में या भुवनेश्वर में? ठीक है भाई, आपको बताना है यहाँ से, जो आपका 52 नंबर का सवाल है, इस सवाल का आंसर क्या होगा भाई? 52 नंबर के सवाल का आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो देख लीजिए, बात की जाए यहाँ से, ये जो आपका हैदराबाद है ये आपका कहाँ है आप बताओगे? ये हैदराबाद जो तेलंगाना। भुवनेश्वर कहाँ है आप बताओगे? उड़ीसा।
ठीक है। और ये जो मधुबनी कला है ये आपकी कहाँ है, तो ये बिहार में है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको देखना कि बिहार से संबंधित कौन सी जगह है, ये दो तो है नहीं। बात की जाए तंजौर की, भाई तंजौर भी नहीं है। क्या है भाई आप बताओगे, तंजौर भी नहीं है तो बचा कौन, मिथिया। तो इस सवाल का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि मिथिया हमारा क्या है, बिहार में है। कहाँ है भाई, बिहार में, ठीक है। और मिथिया के साथ साथ ध्यान रखना आपको दरभंगा, ठीक है, और एक और है क्या, पूर्णिया, ठीक है, और नेपाल में भी बोली जाती है भाई, जो बिहार से लगे हुए क्या हैं, जिले हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, तो आप बताओगे भाई, ये कपड़ों पर की जाने वाली एक प्रसिद्ध कला होती है, या रंगोली कह दीजिए या चित्रकला कह दीजिए, ठीक है। चलिए अगला 53 नंबर, इस सवाल का आंसर क्या, बी मिथिया। 53 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जल वाष्प नहीं है, बिल्कुल है, ओजोन, नाइट्रक्स ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वही 53 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो आपको बताओगे ये आपका जल वाष्प है, ये आपका नाइट्रक्स ऑक्साइड है, ओजोन है, मगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो भाई 53 नंबर के सवाल की अगर आंसर की बात की जाए, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है 53 नंबर के सवाल का। चलिए अब जो है अपने अगले सवाल की साइड चलते हैं भाई, जो अगला 54 नंबर का सवाल है, दीख तो यहाँ पे भी रहा मगर ऊपर कर लेते हैं भाई। 54वां सवाल है, यहाँ से देख लीजिए हम लोगों का क्या है, कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था, ए जी टॉन्सले ने, बोर ने, जे जे थॉम्सन ने, या न्यूटन ने। भाई यहाँ से आपको बताना है किसने किया था ये सवाल, तो अभी भाई पीछे आ चुका है, ठीक है, अभी पीछे आया था। किसने किया था आप बताओगे, ए जी टॉम्सले ने। किसने भाई, ए जी टॉम्सले ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था, ए जी टॉम्सले। अगला देख लीजिए 55 नंबर का सवाल है, कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है। अब आप सोचोगे कि 51 से 70 तक ही चलने हैं, बिल्कुल हमने पहले प्रैक्टिस सेट के किए थे 20, दूसरे के किए थे, अब तीसरे के चलने हैं भाई। तो नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या सिक्किम। भाई आंसर कीजिए इस सवाल का। तो देख लीजिए 55वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो आप बताओगे जो सिक्किम है हमारा, क्या भाई आप बताओगे जो सिक्किम है, ठीक है। यहाँ से पहले तो ये देख लीजिए, जिस जो भाई हमारा नेपाल से मिला हुआ होगा उसमें तो नेपाली बोली जाएगी, कर्नाटक है नहीं है, क्या राजस्थान है नहीं है, क्या आंध्र प्रदेश है नहीं है, तो एक ही राज्य जो इससे मिला हुआ कौन, सिक्किम, तो भाई सिक्किम में ही बोली जाती होगी, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला जो 56 नंबर का सवाल है उसका आंसर कीजिए भाई। सवाल क्या है कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, भाई चीन की सीमा सबसे ज़्यादा है, ब्राज़ील की, कनाडा की, या भारत की। तो देख लीजिए जो आपका 56 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे भाई जो आपका चीन है, ठीक है, चीन की 14 देशों से मिल रही है, भाई चीन की किससे मिल रही है, 14 देशों से, तो इस सवाल का आंसर क्या है, चीन ही है, ठीक है। 57 नंबर के सवाल का आंसर बताइए, मृत्यु दंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, या भारत के महान्यायवादी को। तो देख लीजिए जो 57 नंबर का सवाल है अगर इसकी बात की जाए, तो भाई आर्टिकल 72, कब आर्टिकल 72 के तहत कौन दे सकता है आप बताओगे, राष्ट्रपति। और इस सवाल को कोई भी बच्चा हमारा नहीं भूल सकता भाई, इस सवाल को कोई भी बच्चा नहीं भूल सकता। कैसे, देख लीजिए यहाँ से अगर आप ध्यान रखो, राष्ट्रपति साहब एक ही तो अर्जी लगा सकते हो कि महोदय अगर आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ दो तो मैं क्षमादान पा सकता हूँ, तो 7-2 से क्या हो गया 72। तो भाई इस सवाल का आंसर क्या है, आर्टिकल 72 के तहत कौन दे सकता है आप बताओगे, राष्ट्रपति दे सकता है। चलिए अगला देख लीजिए जो 58 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा। सवाल है, मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा, भाई मथुरा कला जो स्कूल था ये किस समय अपने शिखर पर पहुंचा, वैदिक काल में, मौर्य काल में, मुगल काल में, या कुषाण काल में। तो भाई देख लीजिए जो 58 नंबर का सवाल है इसके आंसर की अगर बात की जाए, तो आप बताओगे कि ये जो आपका मथुरा कला स्कूल था भाई ये किसके काल में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा, तो आप बताओगे कुषाण काल में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा था, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है भाई इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 59 नंबर का सवाल है, कि अप्रैल 2022 में डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, मुंबई में, पुणे में, नई दिल्ली में, या लखनऊ में। तो देख लीजिए जो 59 नंबर का सवाल है अगर इसकी बात की जाए, तो आप बताओगे 22 अप्रैल 2022 को, ठीक है, ये कहाँ, तो आप बताओगे नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया भाई, नई दिल्ली में किया गया। तो 59 नंबर के सवाल का आंसर क्या आप बताओगे, सी है। चलिए 60वां सवाल भाई आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है 60वां आपका, कि किस देश को क्वाड पहल के तहत तो भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला, ठीक है भाई कोवोवैक्स मिला।
आपको बताना, क्वाड के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला थाईलैंड को, इंडोनेशिया को, फिलीपींस को या मलेशिया को? तो देख लीजिए, जो 60 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे भाई किसे मिला था, तो यहाँ से थाईलैंड को मिला था। किसे मिला था? थाईलैंड को मिला था। किसे मिला था भाई, आप बताओगे? थाईलैंड को। अब देख लीजिए 61वां सवाल है कि किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है? आपको बताना है कि कौन सा राज्य है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है, असम है, हिमाचल प्रदेश है या तेलंगाना है। देख लीजिए 61वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो आपका असम है। इस सवाल का आंसर क्या है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब असम है। चलिए 62वें नंबर के सवाल की साइड चलते हैं भाई। 62वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल है आपका 62वां। देख लीजिए क्या है कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली या चेन्नई? भाई देख लीजिए 62 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। कब किया गया है? 19 अप्रैल 2022 को। किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला सवाल है हमारा, वैक्यूम आधारित शीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? इंदौर, कोची, आगरा या हैदराबाद? तो भाई देख लीजिए 63 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो 26 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में, ठीक है, वैक्यूम पर आधारित जो शीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बना है, तो आप बताओगे कौन बना है भाई? आगरा बना है। कौन बना है? आगरा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। भाई आप लोग यहाँ से देख भी रहे होंगे जो आपका, ठीक है, अप्रैल, मार्च, फरवरी, ये जो यहाँ का करंट अफेयर है भाई, ये इस प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो है आप ध्यान रखना है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपकी परीक्षा में आपको बिल्कुल छपा हुआ मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं भाई। 64 नंबर का जो सवाल है इसका आंसर क्या होगा? तो देख लीजिए 64वां सवाल आपका कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंतनाग झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया, यह झील किस राज्य में स्थित है? भाई आपको बताना, जो आपका अनंगताल, ठीक है, अनंगताल जो झील है कहाँ? हरियाणा, मध्य प्रदेश, लद्दाख या NCR, मतलब दिल्ली में है, ठीक है। बताइए भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, जो 64 नंबर का सवाल है। तो देख लीजिए इस सवाल के आंसर की अगर बात की जाए तो ये कहाँ भाई, आप बताओगे कहाँ, किसने किया है? तो आप बताओगे भाई किसने? NCR, दिल्ली ने। किसने भाई, आप बताओगे? जो आपका 64 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे भाई दिल्ली ने। कहाँ? दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, जो 65 नंबर का सवाल है आपका, वो क्या बोल रहा है? 65वां सवाल है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? मेघालय का, असम का, ओडिशा का या गुजरात का? देख लीजिए जो आपका 65 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे कहाँ भाई? मेघालय का। किसका भाई, आप बताओगे? ऑप्शन नंबर ए, मतलब मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है, तो ये भाई यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। चलिए अगला सवाल है भाई 66 नंबर का कि अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण पूरा किया है? आपको बताना है किस रेलवे ने किया है, ठीक है। तो भाई ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यहाँ से आप करंट अफेयर के क्वेश्चनों को भाई देख लीजिए, लिख लीजिए या इनका बार बार रिवीजन करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से ही बनने वाले हैं आपके, ठीक है। तो जो 66 नंबर का सवाल है, इस सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो आपका कोंकण रेलवे है भाई, इसने ये कारनामा किया। किसने? कोंकण रेलवे ने। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, जो 67 नंबर का सवाल है आपका, सवाल है कि अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? भाई आपको बताना है कि फास्टर नामक जो एक सॉफ्टवेयर है किस संस्था ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने, उच्चतम मंत्रालय ने, नीति आयोग ने या गृह मंत्रालय ने? ठीक है, तो भाई इस सवाल का आंसर कीजिए, जो 67 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा, आप बताओगे? इस सवाल का आंसर होगा उच्चतम न्यायालय। भाई जो ऑप्शन नंबर बी है इस सवाल का आंसर, वो बिल्कुल सही है। जो फास्ट ट्रैक को किसने लॉन्च किया है, बताओगे? उच्चतम न्यायालय ने लॉन्च किया है, ठीक है। देख लीजिए अगर इसकी फास्टर की फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे भाई? इसकी फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल देख लीजिए क्या है आपका, जो 68 नंबर का सवाल है कि अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस बर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में
शीर्ष पर कौन है, आपको बताना है कि शीर्ष पर कौन है। तो देख लीजिए 68 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे कि इस जो सूची में जो शीर्ष पर है वो कौन है, तो आप बताओगे जो आपका मैस्चूसेंट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है भाई, जिसे हम MIT के नाम से जाने जाते हैं, तो ये है भाई, क्या है, MIT जिसे हम कहते हैं, तो MIT है। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, जो 69 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 69वां, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड। तो भाई देख लीजिए जो 69 नंबर के सवाल है, अगर इसकी बात की जाए तो 8 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं भाई, कौन, पुष्कर सिंह धामी। तो भाई किसने, आप बताओगे, उत्तराखंड ने, और किसने भाई, पुष्कर सिंह धामी ने भाई, कितने 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं। अगला देख लीजिए जो 70 नंबर का सवाल है, इसकी अगर बात की जाए तो 70वां सवाल यहाँ से आपके सामने है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। भाई कौन सा अभियान है, स्कूल चलो अभियान। जो 70 नंबर का सवाल है, इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे 4 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश, किसने भाई, उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भाई कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये अभियान, तो आप बताओगे श्रीबस्ती से स्टार्ट हुआ है। तो इस सवाल का आंसर जो है आपका ए बिल्कुल सही था। तो देख लीजिए यहाँ से आपके 60 सवाल जो हैं ये हो चुके हैं, ठीक है, 60 सवाल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अगले सवालों की साइड। चलिए तो अगला देख लीजिए, ये रही भाई, अगला देख लीजिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, एक पुस्तक है भाई, किसी क्रिकेटर ने लिखी है, उसका नाम बताना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक। तो अगर इस पुस्तक की बात की जाए, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है ये किसने लिखी है, तो भाई ये युवराज सिंह ने लिखी है। किसने, आप बताओगे, जो इसके लेखक हैं कौन है, युवराज सिंह है। कौन है भाई, आप बताओगे, क्रिकेटर युवराज सिंह की, क्या भाई, ये एक आत्मकथा है। जब वो बीमारी, मतलब जब उन्हें कैंसर हो गया था, उसे मात देकर मैदान पर लौटे थे, तो भाई इसमें उनकी दास्तां है, ठीक है, चलिए इसमें उनकी दास्तां है, ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला सवाल है 52 नंबर का, कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में कौन सी डेट यहाँ से मनाई जाती है, तो आप बताओगे जो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है या कब से आरंभ हुआ है, तो आप बताओगे वो हुआ था 3 दिसंबर 1991 से शुरू हुआ था, 3 दिसंबर 1991। तो भाई 3 दिसंबर किस ऑप्शन में, आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर बी है, इस सवाल का बिल्कुल सही है। अगला जो आपका 53 नंबर का सवाल है कि निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, आपको बताना क्या, CO2, CH4, NHO, NO2 या O2, यहाँ से आपको बताना है कौन सी गैस नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई यहाँ से, आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर डी है आपका, ये ग्रीन हाउस में नहीं है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये ग्रीन हाउस में नहीं है, ठीक है, ठीक ठीक, बहुत गजब, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर बहुत गजब है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं भाई, जो अगला 54 नंबर का सवाल है इसका, ये आपके सामने है, ठीक है, सवाल का आंसर कीजिए 54 नंबर के सवाल का। सवाल है चिपको आंदोलन संबंधित है, भाई किससे संबंधित है चिपको आंदोलन, ठीक है, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घटियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से। भाई सवाल का आंसर कीजिए 54 नंबर के सवाल का आंसर, सभी बच्चे, क्या है, तो भाई बात की जाए चिपको आंदोलन की, तो यह एक पर्यावरणीय रक्षा का आंदोलन था, ठीक है भाई, यह भारत के उत्तराखंड जिले में किसानों को वृक्षों की कटाई के विरोध में करना पड़ा था, ठीक है, ठीक है भाई, क्या करना पड़ा था भाई, और यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के कहाँ भाई, चमोली जिले में सन 1973 में भी चलाया गया था, ठीक है, कहाँ, उत्तर प्रदेश के चमोली में, मगर भाई ये कहाँ चलाया गया था, तो आप बताओगे ये कहाँ हुआ था भाई, उत्तराखंड में हुआ था, और ये किससे संबंधित है, तो आप बताओगे ये पादप संरक्षण, मतलब जो वृक्ष हैं उनसे संरक्षित करने सर था। चलिए अगला जो 55वां सवाल है, इसका सवाल का आंसर क्या होगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कोयम्बटूर को, मदुरई को, बेंगलुरु को या चेन्नई को, ठीक है भाई, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहते हैं किसे कहते हैं, 55 नंबर का सवाल, तो आप बताओगे जो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, भाई अगर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो अहमदाबाद है, भाई भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद शहर है वो है, भारत मतलब उत्तर भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कानपुर है,
और भाई अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात की जाए तो जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है ये है भाई, जो तमिलनाडु का कोयम्बटूर है ये है। अगला जो 56वां सवाल है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है, नेपाल है, वेटिकन सिटी है, मालदीव है या श्रीलंका है। देख लीजिए 56वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो इसका आंसर कौन है, विश्व का सबसे छोटा देश आपका कौन सा, अब बताओगे वेटिकन सिटी है भाई, कौन है आप बताओगे, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है, वेटिकन सिटी है। इसके क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो ये 44 हेक्टेयर का है, कितने का है, 44 हेक्टेयर का है। ठीक है, चलिए ठीक बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं भाई, अगला सवाल है हमारा 57वां नंबर का सवाल, ये करंट से आ चुका है, क्या है कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के भाई राष्ट्रपति बने हैं, 14वें, 16वें, 11वें या 12वें। देख लीजिए 57वां नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो जो हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं ये भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, आप बताओगे, ये वो सॉरी राष्ट्रपति बने थे, 14वें नंबर के राष्ट्रपति बने थे। अब 15वें नंबर की कौन है, तो आप बताओगे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अब देख लीजिए 58वां सवाल आपका कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, आपको बताना है कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, अजंता की गुफाओं में, उदयगिरी में, मेहरगढ़ में या भीम बेटका में। भाई इस सवाल का आंसर देख लीजिए, जो 58वां नंबर का सवाल है अगर इसके आंसर की बात की जाए तो आप बताओगे कहाँ मिलती है, भीम बेटका में मिलती है, जो ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला 59वां नंबर के सवाल की साइड चलते हैं हम लोग, तो 59वां सवाल की अगर बात की जाए, यहाँ से सवाल आपका कि अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा किन दो भारतीय शहरों को ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ से आपको बताना कौन से दो शहर हैं, बेंगलुरु और सूरत, मुंबई और हैदराबाद, चेन्नई और विशाखापट्टनम, कोची और भोपाल। तो भाई इस सवाल की बात अगर की जाए तो आप बताओगे अप्रैल 2022 में जो हुआ था तो इसका आंसर क्या होगा, मुंबई और हैदराबाद को, किसे भाई, मुंबई और हैदराबाद को, तो ऑप्शन नंबर जो बी है 59वें नंबर के सवाल का आंसर वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर है भाई, सवाल है आपका ये 60 नंबर का कि अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिला में कई महापाषाण कालीन पत्थर के जार मिले हैं, दीमा हसाओ जिला किस राज्य से संबंधित है भाई, ऑप्शन ए सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटक या असम। तो जो 60 नंबर का सवाल है अगर इसकी बात की जाए तो आप बताओगे ये जो है आपका दीमा हसाओ जो जिला है ये किससे संबंधित है, आप बताओगे असम से संबंधित है, किससे संबंधित है भाई, असम से संबंधित है। तो 60 नंबर के सवाल का आंसर क्या आपका डी है। चलिए 61वें नंबर के सवाल के साइड चलते हैं, क्या है कि 30 अप्रैल 2022 को G20 शिखर सम्मेलन का समन्वयक किसे नियुक्त किया गया। भाई आप लोग कमेंट करते रहिए, बुरा मत मानना क्योंकि आज कमेंट मैं नहीं पढ़ रहा हूँ आप लोगों की, क्योंकि हमारे पास सवाल जो हैं ज़्यादा हैं, ठीक है, इस वजह से मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, अगर कमेंट पढ़ूंगा तो ये 100 सवालों की वीडियो कम से कम 4-5 घंटे में जाएगी, मतलब निमटेगी। तो भाई इस सवाल का आंसर कौन होगा, सुमन के बेरी होगा, हर्षवर्धन श्रृंखला होगा, रेणु सिंह या के एस ईश्वरप्पा होगा। तो भाई 61 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे इस सवाल का आंसर आपका हर्षवर्धन श्रृंखला होगा, श्रृंखला, ठीक है। अब देख लीजिए जो अगला भाई 62वां नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा बड़ा कर लें। चलिए 62वां सवाल आपका क्या है कि अप्रैल 2022 को राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भाई जब राजीव कुमार ने 2022 में 22 अप्रैल को इस्तीफा दे दिया तो उनके बाद किसे नियुक्त किया गया, सुमन के बेरी को, हर्षवर्धन श्रृंगला को, विजय सांपला को या अजय कुमार सूद को। भाई 62वां नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे किसे, आप बताओगे डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया। अगला देख लीजिए 63वां सवाल है कि अप्रैल 2022 में 100% डिजिटल बस लॉन्च करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है। भाई कौन सा ऐसा भारत का शहर है जिसने 100% डिजिटल बस लॉन्च की है, बेंगलुरु है, मुंबई है, कोची है या हैदराबाद है। देख लीजिए 63वां नंबर के सवाल की अगर बात की जाए आप बताओगे कौन है भाई, वो मुंबई है, कौन है, मुंबई है। 20 अप्रैल 2022 को महाराष्ट्र के जो भाई महाराष्ट्र के जो पर्यावरण मंत्री है कौन, आदित्य ठाकरे, उन्होंने मुंबई की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस का उद्घाटन किया, ठीक है भाई, पहली, ठीक है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं, जो 64वां नंबर का सवाल है आपका, सवाल है यहाँ से 64वां जो है
सवाल क्या बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है? तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना ने या बिहार ने? भाई इस सवाल का आंसर कीजिए, जो 64 नंबर का सवाल है आपका, इस सवाल का आंसर क्या होगा? देख लीजिए, 64वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु भारत का ऐसा राज्य है भाई जिसने भीमराव अम्बेडकर को की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं, जो 65वें नंबर का सवाल है। यहाँ से आपको इनका मिलान करना है भाई, यहाँ से आपको ये क्या नियुक्ति है और संबंधित कार्य क्षेत्र, इनका मिलान यहाँ से आपको कर लेना है। सवाल देख लीजिए क्या है, मनोज पांडे भाई किससे संबंधित है? आपको मनोज पांडे की अगर बात की जाए, जनरल मनोज पांडे, तो भाई ये क्या है, थल सेना प्रमुख है हमारे, कौन से नंबर के, 29वें नंबर के। तो ए से कौन मिल गया, दो मिल गया, ए के साथ दो कौन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर बी जो है भाई, इस सवाल का आंसर बिल्कुल सही है। अब औरों को भी पढ़ लीजिए आप, बी के सामने कौन है आप बताओगे, चार। अजय कुमार सूद क्या है, तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है भाई। विजय सांपला मतलब सी क्या है, तो आप बताओगे ए, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। और बच्चे कौन हमारे, तो आप बताओगे कौन बच्चे यहाँ से, विनय कवात्रा बच्चे, ठीक है। तो इनका कहाँ भाई, आप बताओगे तीन, मतलब विदेश सचिव हैं। अगले सवाल की साइड चलते हैं, जो 66 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है भाई। सवाल है यहाँ से 66 बार देख लीजिए क्या है कि अप्रैल 2022 में किस प्रसिद्ध कवि को 31वें सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो भाई कौन से ऐसे प्रसिद्ध कवि हैं जिन्हें 31वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 66 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो आप सभी बच्चे बताएंगे 66 नंबर के सवाल का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन, रामदरस मिश्रा, ठीक है, रामदरस मिश्रा, ठीक है। क्या है भाई सवाल का आंसर, रामदरस मिश्रा है। अगला देख लीजिए, जो 67 नंबर का सवाल है यहाँ से, ये सवाल क्या है, अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड के तहत चार श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं? भाई आपको बताना है इस सवाल का आंसर, जो 67 नंबर का सवाल है, ये सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो देख लीजिए 18 अप्रैल 2022 की बात है भाई, तो यहाँ से 67वें नंबर के सवाल का आंसर कीजिए क्या होगा। तो देख लीजिए 67वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा, वाराणसी, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है, कौन भाई, आप बताओगे वाराणसी, ठीक है। चलिए बहुत गजब, कौन भाई, आप बताओगे वाराणसी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं, सवाल देख लीजिए, जो 68वें नंबर का सवाल है भाई, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आ चुका आप, ठीक है, यहाँ से आ चुका। सवाल क्या है कि दस्तक अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। इसे 15 से 30 अप्रैल 2022 तक प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए चलाया था? भाई क्या ये वाली बात सही है, 68वें सवाल की अगर बात की जाए, भाई क्या ये सही है, बिल्कुल सही है भाई, ये बात जो है बिल्कुल सही है। अगली बात देख लीजिए क्या, यह प्रदेश के लोगों को इनसे, ये क्या है भाई, इनसे फेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया या और क्या भाई, चिकनगुनिया जैसे संचारी रोगों से बचाव के लिए प्रारंभ, बिल्कुल ये वाली बात भी सही है। तो दोनों बातें सही हैं, किसमें, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अगले सवाल की साइड चलते हैं भाई, अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए 69-70 की बात अगर की जाए, सवाल क्या है यहाँ से, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना शुरू की गई है? भाई ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें भाई हिम प्रहरी जो योजना है वो शुरू की गई है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो देख लीजिए जो 69 नंबर का सवाल है, इसका आंसर सभी बच्चे कीजिए क्या होगा। भाई 69 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो आप बताओगे जो आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब क्या, उत्तराखंड है, वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देख लीजिए, 70वां सवाल क्या है कि अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को कानून अधिकार देने वाला पहला देश का, मतलब पहला देश कौन है? भाई अप्रैल 2022 में जंगली जानवरों को जो कानूनी अधिकार देने वाला देश, मतलब पहला देश बना है, वो कौन है? ब्राज़ील है, विजय नाम है, बोलीविया है या इक्वाडोर है? भाई तो इस सवाल का आंसर कीजिए क्या होगा। तो देख लीजिए इस सवाल का आंसर आपके का क्या, आप बताओगे इक्वाडोर है। क्या है भाई इस सवाल का आंसर? इक्वाडोर है। तो देख लीजिए यहाँ आपके ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चनों की साइड हम अपनों की चलते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चनों की साइड चलते हैं। देख लीजिए भाई इस सवाल को, देख लीजिए क्या है आपका, निम्नलिखित में से, चलिए यह है निम्नलिखित में से नेम से
पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम से ठीक है भाई, कौन है? विक्रम सेठ है, झुम्पा लाहिड़ी है, किरण देसाई है, ये शोभा डे हैं। तो 51 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो नेम से एक पुस्तक है भाई, इसकी लेखिका कौन है? तो आप बताओगे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है कौन? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है भाई? झुम्पा लाहिड़ी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस सवाल का वो बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए, 52 नंबर का सवाल भाई बिल्कुल हल हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मैं मानता हूँ सभी बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे भाई, सभी बच्चे इस सवाल का आंसर देंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे कब मनाया जाता है? अब बताओगे भाई 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, बहुत गजब। और सबसे पहला कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को मनाया गया। कब मनाया गया? अब बताओगे 5 जून 1974 को। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, अगले सवाल की साइड चलते हैं। जो 53वां सवाल है हमारा, सवाल यहाँ से क्या है देख लीजिए क्या है। खालिस्तान कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहर में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है भाई, कहाँ है? लंबवत खेती है, हाइड्रोकल्चर है, जैविक खेती है या रोबोकल्चर है, उसे हम क्या कहेंगे? जो 53 नंबर का सवाल है। तो देख लीजिए, इस प्रकार की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? लंबवत खेती कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अगले सवाल का आंसर कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, क्या होगा? एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को समृद्ध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीन फील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एन या इफको फ्रेंड। भाई इस सवाल का आंसर कीजिए, जो 54 नंबर का सवाल है इसकी अगर आंसर की बात की जाए तो आप बताओगे आंसर क्या है? ग्रीन पीस इस सवाल का बिल्कुल सही आंसर है। 55 नंबर का सवाल है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, आपको बताना है कि भारतीय जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है? भोपाल में है, पटना में है, कानपुर में है या हैदराबाद में है? 55 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप सभी बताओगे जो दलहन की बात की जाए वो भाई कहाँ है? तो आप बताओगे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। भाई उत्तर प्रदेश के कहाँ? आप बताओगे कानपुर में स्थित है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो आप बताओगे 1983 में ये स्थापित किया गया था। कब? 1983 में। चलिए अगला सवाल जो है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से कि स्वीडन की राजधानी का क्या नाम है? भाई स्टॉकहोम, बर्न, लक्समबर्ग या मैड्रिड। भाई यहाँ से आंसर कीजिए। तो देख लीजिए, स्वीडन की अगर बात की जाए तो आप बताओगे क्या स्टॉकहोम है? क्या भाई? स्टॉकहोम है। इस सवाल का आंसर क्या है? मगर जो अगली राजधानियों की बात की जाए, जैसे बर्न है, बर्न किसकी? आप बताओगे स्विट्जरलैंड की है, ठीक है। और लग्जमबर्ग जो है ये आपकी लग्जमबर्ग की है, और मैड्रिड जो है आप बताओगे किसकी है? स्पेन की है। अगला सवाल 57 नंबर का कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेनानिवृत्त हो जाते हैं? ठीक है, कितने सदस्य सेनानिवृत्त हो जाते हैं 2 वर्ष के बाद? ठीक है, तो 57 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे कितने भाई? 1/3। कितने? 1/3। अगला देख लीजिए क्या है, जो 58 नंबर का सवाल है अगर इसकी बात की जाए। सवाल है यहाँ से, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? भाई पंचमुखी गुफाएं मिर्जापुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में या चंदौली में? 58 नंबर का जो सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे 58 नंबर के सवाल का आंसर यहाँ से क्या है? आप बताओगे सोनभद्र जिला। क्या भाई? आप बताओगे सोनभद्र जिला में स्थित है। कहाँ भाई? आप बताओगे सोनभद्र जिला में स्थित है। चलिए अगला सवाल क्या है कि भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? भाई जब भारत में नए संसद की आधारशिला रखी गई, किस तिथि को रखी गई है आपको बतानी है। तो देख लीजिए 59 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे भाई कब? 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो 10 दिसंबर 2020 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, जो 60 नंबर का सवाल है आपका। सवाल क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 13 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? भाई 60 नंबर के सवाल का आंसर कीजिए सभी बच्चे, क्या होगा? तो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है आप बताओगे कब मनाया जाता है? तो यहाँ से आप बताओगे 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। चलिए जो अगला 61 नंबर का सवाल है आपका, क्या है कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? भाई आपको बताना है कि विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी या 21 फरवरी? तो देख लीजिए जो 61 नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे प्रति एक वर्ष कब मनाया जाता है? आप बताओगे 20 फरवरी को मनाया जाता है। कब?
20 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 61 नंबर के सवाल का आंसर सी। अब चलते हैं 62वें नंबर के सवाल की साइड। भाई 62वां सवाल यहाँ से आपका क्या है, सवाल है कि 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मृदा पृथ्वी दिवस की इस वर्ष की विषय क्या है, मतलब थीम क्या है। भाई यहाँ से आपको थीम बतानी थी। ऑप्शन ए है हमारे ग्रह में निवेश करें, हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित करें, या जलवायु कार्यवाही करें, या अपनी प्रजातियों का संरक्षण करें। तो भाई देख लीजिए, जो 62वें नंबर का सवाल है इसकी अगर बात की जाए तो आप बताओगे कि 2022 की जो थीम थी भाई वो क्या थी, जो पृथ्वी दिवस की थीम थी, तो आप बताओगे वो थीम थी हमारी कि हमारे ग्रह में निवेश करें। इस सवाल का आंसर क्या था आप बताओगे ए। अब देखते हैं जो 63 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा। भाई 63वां सवाल क्या है यहाँ से ये देख लीजिए आप, जो आपका 63वां सवाल है ये है हेलिना क्या है। भाई हेलिना आपको बताना है क्या है, स्वदेशी रूप से विकसित एक पनडुब्बी है, स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या DRDO द्वारा विकसित रॉकेट प्रणाली है, या संचार उपग्रह है। देख लीजिए 63 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो भाई आप बताओगे ये क्या है आपका, तो आप बताओगे स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है भाई, कौन, हेलिना, ठीक है हेलिना। अगला सवाल देख लीजिए क्या है, जो 64 नंबर का सवाल है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य में 13 नए जिलों का गठन किया गया है, 13 नए जिले बनाए गए हैं भाई अप्रैल 2022 में, तो भारत के किस राज्य में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में। चलिए तो 64वें नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे किसके अंदर हुआ, तो आप बताओगे 4 अप्रैल 2022 को कहाँ हुआ, भाई आप बताओगे आंध्र प्रदेश के अंदर ऐसा हुआ है जब 13 नए जिलों का गठन किया गया। अगला सवाल देख लीजिए, जो 65 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 65वां के अप्रैल 2022 में महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है, यह प्रतिमा किसकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है, महादेव गोविंद रानाडे की है, या गोपाल कृष्ण गोखले साहब की है। 65 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो इस सवाल का आंसर बताइए क्या होगा, तो आप बताओगे कि 13 अप्रैल 2022 को जो महाराष्ट्र के लातूर जिले में अनावरण किया गया भाई वो किसकी प्रतिमा है, आप बताओगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। तो इस सवाल का आंसर जो ए है वो बिल्कुल सही है। 66वां सवाल है आपका, 1 मई 2022 को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है, इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई, 1 मई 2022 को श्रमिक दिवस मनाया गया भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1885 में, 1889 में, 1920 में, या 1923 में। तो 66 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो भाई 66 नंबर के सवाल का आप आंसर बताओगे कब हुई थी भाई, तो आप बताओगे 1989 में इसकी शुरुआत हो गई थी, 1889 सवाल का आंसर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं 67 नंबर के सवाल की साइड। 67वां सवाल है यहाँ से आपका क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आप ध्यान रखना दिवस भी आपसे बहुत पूछ रहा है, एक ना एक दिवस तो जरूर पूछेगा भाई, पक्का पूछेगा। तो 67 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो 67 नंबर का सवाल था हमारा, तो भाई ये कब मनाया गया आप बताओगे 3 मई को, कब, आप बताओगे 3 मई 2022 को मनाया गया भाई। अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम क्या थी, तो आप बताओगे इसकी थीम थी भाई यहाँ से, ठीक है, इसकी थीम थी जर्मिलिज्म अंडर डिजिटल सेज, ठीक है। चलिए अगले सवाल की साइड चलते हैं। 68 नंबर का सवाल क्या है, मई 2022 में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जाने की घोषणा कर दी गई है। भाई किसे आप बताना है, जो चारों आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है, सिंथिया, ठीक है, किसे भाई आप बताओगे, सिंथिया रोसेन जबिक को, मार्क जुकरबर्ग को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, या जो बाइडन को। तो भाई यहाँ से जो 68 नंबर का सवाल है इस सवाल की अगर बात की जाए तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, सिंथिया को, किसे भाई आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, सिंथिया को, ठीक है। चलिए अगला जो 69 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहाँ से 69वां जो है आपका कि मई 2022 में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में कितने आधार अंक की वृद्धि की थी या की है। भाई इस सवाल का आंसर कीजिए, जो 69 नंबर का सवाल है इसके आंसर की अगर बात की जाए तो आप बताओगे यहाँ से भाई इस सवाल का आंसर आप लोग बताओगे क्या था, आप बताओगे भाई इस सवाल का आंसर क्या था, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे,
तो बात की जाए भाई 69 नंबर के सवाल की, तो आप बताओगे 40, कितना भाई आप बताओगे 40 अंकों की, ठीक है, कितने अंकों की आप बताओगे 40 अंकों की। चलिए अगला जो सवाल है 70 नंबर का, कि मई 2022 में आयोजित दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, नई दिल्ली, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम या ओस्लो। तो भाई यहाँ से इस सवाल का आंसर कीजिए क्या था, तो आप बताओगे कहाँ किया गया था, आप बताओगे कोपेनहेगन में किया गया था। कहाँ भाई आप बताओगे कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है, डेनमार्क की, बिल्कुल जी, कौन कोपेनहेगन कहाँ की है, डेनमार्क की राजधानी है। तो देख लीजिए यह आपके पूरे शो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, जो हमने फटाफट मतलब एक घंटे कुछ मिनट में ही कंप्लीट कर लिए हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए, और मैं आज जिन बच्चों की कमेंट्स ना पढ़ पाया उसके लिए सॉरी। अब देख लीजिए भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए।